पर मंगल पे जो घूम ले रहा है ये मशरूमों की देन नहीं है, इतने योग्य व्यक्ति थे हमारे यहाँ पर। समझ में आ गया नहीं आ गया? इतने योग्य व्यक्ति। और आज देखिएगा इसरो का वैज्ञानिक खुद से सब्जी खरीद रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, पहले जो था ये क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि भारत से धन की चोरी हो रही थी गुलामी के तौर पर, अभी भारत से ब्रेन की चोरी हो रही है, माइंड ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले क्या, अच्छा लीडर वो होता है जो असफलताओं को अपने ऊपर ले, असफलताओं को अपने पीछे खड़े लोगों के ऊपर सौंपे। ऐसे लोग थे हमारे अंदर, और ये लोग इन दो कौड़ी के नेताओं के पीछे होते हैं। कि नहीं कहीं एयरपोर्ट वहां मत दिया जाए, पायलट कहेगा यही था एयरपोर्ट कहाँ चल गया, फोन कहेगा जा दूसर जगह उतर जो बिहार है यहाँ एयरपोर्ट दिया गया। विक्रम साराभाई और इसका नाम सतीश धवन, विक्रम साराभाई जो थे एपीजे अब्दुल कलाम के सीनियर थे, एक तरह से टीचर समझिए सीनियर थे। एक बार वो रॉकेट लॉन्च करने पे प्रोग्राम बना रहे थे, बड़ा हैवी रॉकेट एकदम बेहतरीन जो वर्ल्ड क्लास का था। एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा सा डरे हुए थे, विद्यार्थी थे, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे क्या होगा या नहीं। तो विक्रम साराभाई ने काफ़ी मेहनत किया, फाइनली सक्सेस नहीं हुआ, वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाया। विक्रम साराभाई आगे आए और सारे अपने जूनियर्स को कहें तुम पीछे रुको, और स्वीकार कर लिए कि हम इस मिशन में फेल हो गए, हमारा ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ। मीडिया चार को सवाल पूछती, मीडिया को जनवे करते हैं, उसको मौका मिल जाएगा कुछ पूछ देगा। 150 पे चल गया, 142 पे था, 150, हम जितना पीछे पड़ते हो का चौपटे हो जाता हूँ। समझ में गया कि नहीं गया, कहाँ चल गया 150। तो मीडिया उल्टा सीधा सवाल पूछने लगा, विक्रम साराभाई ने सहजता से जवाब दिया। 3 साल बाद फिर से उसी रॉकेट पर काम हुआ और उससे भी तगड़ा था, और इस बार दुनिया देखते रह गई और रॉकेट क्या हो गया, सफल हो गया। जब मीडिया की बारी आई तो विक्रम साराभाई ने एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा, कहा कि सारा श्रेय आप अपने पे लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम सकपका गई, क्या कह रहे हैं, कहें कि जाओ हम ऑर्डर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन सक्सेस रहा, सारे लोगों का इसमें योगदान था, विक्रम साराभाई जैसे नेतृत्व प्रदान करने वाला था और हमारा रॉकेट सक्सेस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाए और कहें कि अच्छा लीडर वो होता है जो असफलताओं को अपने ऊपर ले, असफलताओं को अपने पीछे खड़े लोगों के ऊपर सौंपे। ऐसे लोग थे हमारे अंदर, और ये लोग इन दो कौड़ी के नेताओं के पीछे होते हैं, जिनको आदमी मतलब क्या बोला जाए, इन नेताओं को कुछ कह सकते हैं अजब, जो पूछता है कि पेपर लीक हुआ है कि OMR लीक हुआ है। बीपीएससी में को पूछे ना कि काहे लीक हुआ, तो कह रहे पेपर वा लीक हुआ है कि OMR लीक हुआ है। बताइए ऐसा नहीं लोलता सब यहाँ पे। तो हम चुप हो गए 2 मिनट के लिए कि हम इसको क्या जवाब दें। तो पूछा खान से ही बताइए पेपर ज्यादा जरूरी है कि OMR, उन सबों के हाथ में ये, अरे भैया बीपीएससी को तो चौपट होना फिक्स है, आप उसको समझे में नहीं आ रहा है OMR ज्यादा जरूरी की पेपर। अरे OMR गोली मारो यार, OMR में कौन चीज रहता है, उस सड़कों पे फेंक दोगे तो क्या दिक्कत है, 2 दिन पहले ही OMR बांट दोगे तो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि OMR से दिक्कत नहीं है, हम कहे ना महाराज पेपर ना पहले मिल गया, क्या करे OMR मिला तो दिक्कत नहीं, पेपर मिल गया तो दिक्कत, उसको क्या समझाए OMR मतलब क्या होता है। तो बाद में उसको कहें कि लिखने वाला कॉपिया मिल गया उससे दिक्कत नहीं है, अच्छा कॉपिया को बोला जाता है OMR, तब कहा ओहो चलिए तब ठीक है। आप बताओ इतना उम्मीद से गए थे कि उसको कुछ बताएंगे, कुल उम्मीद रहले रख, हम कहे ठीक है महाराज हम चलते हैं, आपका भी समय हम काहे खराब करें। OMR को ही क्या कहा जाता है, अनसर्सिड, खाली वो कहे सादा कॉपिया जगह पे लिखेगा, तब तो ठीक है कर रहे हैं सादा कॉपिया पता चल जाएगा तो क्या दिक्कत है। ये हाल होता है हमारे यहाँ, समझ में गए मशरूम। और जबकि वो विक्रम साराभाई, सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे लोग इनके पीछे काम करते हैं, कितना शर्म की बात है। लीडर देखते हैं, और ये सतीश धवन का त्याग आप देख रहे हैं, देखिए असफलता तो सबकी थी, अकेले सतीश धवन की तो नहीं थी, विक्रम साराभाई और सफलता भी सबकी थी, अकेले एपीजे अब्दुल कलाम की तो थी नहीं यहां पर। तो लेकिन असफलता का जब सवाल उठा तो सबसे पहले नेतृत्व वाला आया, और जब सारे लोग सफल हो गए तो वो किसको भेजे आगे, तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत भावुक हो गए
और पूछें कि सर सफलता में कम से कम आपको तो रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें जितना योगदान इस देश को देना था हम उतना दे दिए, अगर हम अपने पीछे खड़े बच्चों को आगे नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचिए उन लोग, तो आज इसरो जो चांद पर मंगल पर जो घूम ले रहा है ये मशरूमों की देन नहीं है, इतने योग्य व्यक्ति थे हमारे यहाँ पर, समझ में आ गई नहीं आ गया, इतने योग्य व्यक्ति। और आज देखिएगा इसरो का वैज्ञानिक खुद से सब्जी खरीद रहा है, अब काहे नहीं नासा में चल जाएगा। तब कभी सुने कोई विधायक नासा भागा है, उसको सब सुविधा यही है, सब सुविधा कहाँ है यहाँ। आज भी अगर हम भारतीय वैज्ञानिक को उचित सम्मान दिला देना, वो पैसे के नहीं भूखे हैं, उनको बस चाहिए कि जो वो वर्क करना चाहते हैं गवर्नमेंट से ज्यादा परमिशन नहीं लेना पड़े, वो कहना चाहते हैं कि हम अगर मंगलयान पे वर्क करना चाहते हैं तो हमें उतनी फैसिलिटी दी जाए, और दूसरा उनको सम्मान चाहिए। क्या जाता है यहाँ पे, दुनिया भर की पैरामिलिट्री CISF पड़ी है, ITBP है, दुनिया भर के हर वैज्ञानिक के पीछे 5 गो 10 गो देता, हमारी बहनिया के पीछे 20 गो लगल है सर, कमांड बताइए कौन काम किए वो, हाँ दूसरा को मार देगी वो और 20 गो कमांडो। एक वैज्ञानिक को जिस दिन आप 20 कमांडो दीजिएगा ना, नासा वाला देखेगा कहेगा बाप रे, एक अपनी मातृभूमि, दूसरा सुविधाएं, और सम्मान देखो देश कितना कर रहा है। देखिए कर्तव्य बनता है दोनों का, दोनों में म्यूचुअल रिलेशन है। अगर देश का सिस्टम अगर किसी योग्य व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा तो ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ में। आज नासा कितना आगे चला गया, कल्पना चावला नासा में गई थी, कहाँ की थी, भारत यहीं की थी, सुनीता विलियम सब यहाँ के थे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पहले जो था ये क्या नाम था, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था कि भारत से धन की चोरी हो रही थी गुलामी के तौर पर, अभी भारत से ब्रेन की चोरी हो रही है, माइंड ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पहले क्या होता, मनी ड्रेन, ड्रेन का मतलब बाहर निकल जाना, समझा। तो पहले भारत से क्या निकाला जाता था, मनी ड्रेन, अभी क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन पूरा निकाल दे रहा है, यहां बच जा रहा है सब उल्टा सीधा। तो वही देखिएगा हवा में पुल गिर जाएगा, अरे भैया ब्रेन ड्रेन तो हो गया, अब जाके लंदन ब्रिज बनाएगा, ब्रुकलिन ब्रिज बनाएगा, सुनामी झेल जाएगा, और रह गए यहाँ पे, लीजिए गिराएगा हवा में, समझ में आ गया कि नहीं, कहीं एयरपोर्ट वहां मत उदिया जाए। तो पायलट कहेगा यही था एयरपोर्ट, कहाँ चल गया, फोन करेगा जा दूसर जगह उतर जो बिहार है यहाँ एयरपोर्ट उदिया गया, समझ नहीं गया। तो बताइए विक्रम साराभाई प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा, और सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। विक्रम साराभाई सहयोग नहीं किए रहते तो APJ अब्दुल कलाम आगे बढ़े रहते हैं, अच्छा APJ अब्दुल कलाम ये बात राष्ट्रपति बनने के बाद बताए थे, अगर नहीं बताए रहते तो पता चलता, उस समय सोचिए कितना इंसानियत हुआ करता था। आज का नेतवा ससुर नाली का ढक्कन लिखवाता है तो पहले लिखवाता है मैं खून चुसुआ पार्टी से कफन छाप चुनाव ढक्कन लगा रहा हूँ खुले हुए नाली का, हाँ दोनों लोग में पूरा सबकी टीम थी, सतीश धवन विक्रम साराभाई APJ अब्दुल कलाम पूरी लोगों की क्या थी, एक संयुक्त टीम थी, सब एक ही बैच के, चिदंबरम दास काकोदर दास ये सब लोग की पूरी क्या थी, वैज्ञानिकों की एक टीम थी। तो एक पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था, तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा,